एमडीयू रोहतक के कैंपस में लगे इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। सीएम खट्टर की तस्वीर के साथ इस पर लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा थ्रू अ ग्लोबल अप्रोच ऑर्गेनाइज्ड बाय फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट एंड हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड। पोस्टर के बाद अब युवाओं की इस भीड़ को देखिए। ठंड के मौसम में लोई ओढ़े लाइन में लगे हैं। इनकी आंखों में ललक है रोजगार पाने की, लेकिन इस रोजगार की चाह में ये अपना वतन तक छोड़ने को तैयार है और इस काम में हरियाणा सरकार इनकी मदद कर रही है। HKRN ने इजराइल सहित अन्य कई देशों में भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और ये सारे युवा उसी विज्ञापन के लिए इंटरव्यू देने आए हैं, जहां MDU में इजराइल का एक प्रतिनिधि मंडल इनका इंटरव्यू ले रहा है। ये सभी युवा ITI के अलग अलग ट्रेड से जुड़े हैं और अपना पेट पालने के लिए युद्धग्रस्त इजराइल जाने को भी तैयार हैं। इस भीड़ में केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पंजाब, राजस्थान और UP के युवा भी शामिल हैं। अंत में अब आपको इंटरव्यू देने आए इन युवाओं के दिल की बात सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपको ये एहसास होगा कि बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या बन चुकी है और क्यों ये युवा अपनी जान की परवाह किए बिना युद्धग्रस्त इसराइल में जाकर नौकरी करने को तैयार है। क्या नाम है मित्र? संदीप कुमार। संदीप कहाँ से हो? भिवानी से। भिवानी से। तो आप यहाँ क्या करने आए थे? मैं सेटरिंग का काम करने आया। तो हो गया आपका टेस्ट? हाँ जी। तो क्या क्या टेस्ट लिया? टेस्ट लिया था, बस ये सेटरिंग का काम करवाया था उनने, भाई ऐसे ऐसे करो, एक पेपर वर्क दिया था उनको, वो कर दिया था। किस टाइम माध्यम से आए आप, मतलब कैसे पता चला? फॉर्म भारत सरकार ने निकाला था इसराइल के लिए, हरियाणा सरकार ने, और बहुत बढ़िया स्कीम निकाली है। और कितने दिन में रोल नंबर आ गया आपके पास? रोल नंबर तो 20 या 25 दिन में आ गया था। अच्छा, वहाँ पे आप सेटरिंग का काम कर रहे हैं? हाँ। किस तरह? तो वहाँ पे जैसे युद्ध की बात चल रहा है तो आप लोगों को थोड़ा डर है? नहीं नहीं, ऐसा कोई वो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मतलब पैसे कम है, रोजगार कम है या फिर पैसे का ज्यादा वेतन है? यहाँ पे बस लगा ले 10-15 हजार रुपये में आदमी का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए वहाँ पे जाने के लिए थोड़ी इच्छुक है। वहाँ पे सैलरी सुदली भी ठीक है। हाँ, अब मतलब फैमिली का गुजारा बढ़िया हो जाएगा। कितने साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ आप लोगों का? ये तो कह रहे हैं कि 1 साल का है, आगे के आगे मतलब बढ़ा दिया जाएगा, 5 साल का कह रहे हैं। नाम बताओ अपना। मेरा नाम महेंद्र कुमार स्वामी, राजस्थान से। कहाँ रहते हो सर? राजस्थान में। राजस्थान में चुरू जिला। अच्छा, किसी आए हो यहाँ पे? यहाँ इंटरव्यू के लिए आए हुए। किस चीज का इंटरव्यू? इंटरव्यू इसराइल के लिए, टाइल मेसन और प्लास्टर। और दोस्त लोगों ने फोन किया कि इसराइल के लिए इधर इंटरव्यू चल रहा है। अच्छा। इसीलिए इंटरव्यू देने के लिए आए हम। तो वहाँ क्या करोगे आप? वहाँ टाइल मेसन का काम करेंगे, प्लास्टर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे काम धंधा नहीं है क्या? यहाँ पे काम धंधा है लेकिन सैलरी कमती है, यहाँ 1,37,000 सैलरी बताया। 1,37,000 है, युद्ध भी तो है। हाँ, युद्ध भी है, युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध भी है, तो अभी शांतिपूर्ण माहौल चल रहा है। शांतिपूर्ण है अभी? शांतिपूर्ण बता रहे हैं, पहले युद्ध था, अभी थोड़ा शांतिपूर्ण माहौल है, अच्छा एरिया है। तो आप जाना चाहते हैं वहाँ पे? जरूर जाने चाहते हैं। अच्छा, क्या किस लिए आए हो यहाँ पे? सर हम इसराइल के लिए आए हैं वर्क के लिए, तो यहाँ पे हमारी सिलेक्शन हो चुकी थी, उसके फाइनल यहाँ पे इंटरव्यू को ले आए सर। तो किस थ्रू आपको पता चला ये न्यूज आई थी सर? क्या? न्यू पेपर में, तो उसके थ्रू हम यहाँ पे आए हैं। तो हरियाणा सरकार की तरफ? जी जी। तो वहाँ किस किस पद के लिए अप्लाई किया है? स्टील फिक्सर सर। तो वहाँ पे जाना चाहते हो? जी सर। वहाँ तो अभी जंग छिड़ी हुई है हमास और उनके बीच। जंग की कोई बात नहीं सर, जैसे मोदी सरकार को इतना तो नहीं, उसको सब पता ही है ना कि वहाँ पे अभी जंग छिड़ी हुई है, तो नहीं भेजेंगे वहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं, वो जंग छिड़ जाए, जैसे ये पंजाब का कुछ माहौल है, जैसे इंडिया का कारगिल में थे, यहाँ कश्मीर में थे, इधर वहाँ पे लड़ाई झगड़े चलते थे, मगर बाकी तो स्टेट सेफ है ना। वो अहम कुछ जगह है वहाँ पे जैसे बमबारी होती होगी, मगर वर्क कर लीजिए, कोई भी सरकार वहाँ पे नहीं भेजेगी। बेरोजगारी यहाँ तो बेरोजगारी पढ़े लिखे बहुत है सर, जिस मर्जी स्टेट में दे लो, ये नहीं है कि पंजाब में, जहाँ मर्जी स्टेट में बेरोजगारी है सर। संभव न थे तो कहाँ से? UP से। कहाँ से?
गोरखपुर जिला। किस लिए आए हो यहाँ पे? यहाँ पर टायर मिशन के काम के लिए आया हूँ और इजराइल जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते? जैसे सर यहाँ थोड़ा बेरोजगारी है और थोड़ा उतना जितना सैलरी मिलना चाहिए उतना हो नहीं पाता, इसलिए भाग भाग के हम लोग बाहर जाते हैं कि दो पैसा अधिक आएगा हम लोग अपना रोजगार। इजराइल जाना चाहते हो, युद्ध पिछड़ा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे रोजगार नहीं? रोजगार है सर, मगर उतना हम लोग को जितना चाहिए उतना पैसा नहीं मिल पाता है जितना हम लोग को, इसलिए इतना आदमी पब्लिक लोग जाते हैं, कहाँ जाएंगे, दो पैसा अधिक मिलता है इसलिए हम लोग जाना चाहते हैं कि दो पैसा अधिक मिलता है। यहाँ 20,000 है तो 40,000 मिल जाता है, यहाँ 12,000 कमाएंगे तो 24,000 मिल जाता है, जरूर फर्क रहता है वहाँ जाने को।